Ashif Tech present. Please like and subscribe. सो हे गाइस, सो यार कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का न्यू वीडियो को बनाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को लास्ट जरूर देखना। तो इस वीडियो को हम अलाइट मोशन ऐप की मदद से बनाएंगे। तो अगर आप अलाइट मोशन ऐप को डाउनलोड करना चाहते हो, सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हो, वहाँ से आप बिल्कुल भी आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस, सो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। वीडियो एडिट करने के लिए अलाइट मोशन में आ जाना है, प्लस पे क्लिक करके एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना है 916 के साइज़ में, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, यहाँ से अपनी फोल्डर को सिलेक्ट करना है जो भी फोल्डर में आपका फ़ोटो है। एंड फोल्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको अपनी फ़ोटो को ऐड करना है, जैसे कि आप तो दे सकते हो। एंड ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया करना है और यहाँ पर अपनी फ़ोटो को एडजस्ट करना है, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। सॉरी गाइस, आपको जो प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वो आप 4:5 के साइज़ में सेलेक्ट करना, ना कि 916 के साइज़ में। जो आपका 3rd नंबर का साइज़ है उसमें सेलेक्ट करना। ओके, मैं भूल गया था तो सॉरी। फिर आपको इस प्रकार से इसी साइज़ में फ़ोटो को क्रॉप करना है। ओके, 4:5 के साइज़ में फिर से बोल दे रहा हूँ। एंड ऊपर शेयर के आइकन पर क्लिक करना है, करंट फ्रेम HPNG को सेलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है, फ़ोटो को सेव करना है। इस प्रोजेक्ट को डिलीट करना है, एक ही फ़ोटो को क्रॉप करना है। ओके, प्रोजेक्ट को डिलीट करना है, बिटमार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अब स्लाइड करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको दिख रहा है योर फोटो, इस पर क्लिक करना है। कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नॉट फाउंड पे क्लिक करना है। ऊपर आपको फोल्डर सेलेक्ट करना है, आपने जो फोटो को क्रॉप किया उसको सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है इस प्रकार से। फिर सेलेक्ट करके आगे जाना है, इस ग्रुप पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक करना है। इस ग्रुप के अंदर 3 लेयर है, तो इन तीनों लेयर में आपको वही सेम फोटो को ऐड कर लेना है। तो लेयर पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नॉट फाउंड पर क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप लोग दे सकते हो, इस प्रकार से ऐड कर लेना है। ओके, एंड फिर स्लाइड करके आगे जाना है, फिर आगे एक ग्रुप दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। फिर इसके अंदर 3 लेयर है एंड इन तीनों लेयर में भी आपको वही सेम फोटो को ऐड करना है जो भी हमने क्रॉप किया है। ओके, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, इस प्रकार से ऐड कर लेना है। फिर यहाँ से बैक आना है, तो इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। अब फिर स्लाइड करके आगे जाना है, यहाँ पर लेयर दिख रहा है डायरेक्ट, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पर क्लिक करके मीडिया नॉट फाउंड पर क्लिक करना है, वही सेम फोटो को स्लाइड करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो ध्यान देना कि इसी लेयर के ऊपर है। ओके, यहाँ पे देखो इसी लेयर के ऊपर ये लेयर है ना, इस बार से ऐड कर लेना है। अब फिर स्लाइड करके आगे जाना है, यहाँ पे आ जाना है आपको 18 सेकेंड पे, यहाँ पे ग्रुप दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है। तो इसके अंदर जो नीचे वाला लेयर है इसमें आपको सिंपली फोटो को ऐड कर लेना है, उसी फोटो को। ओके, ऊपर वाला जो लेयर है उसको सही छोड़ देना है इस बार से। ओके, जैसे कि आप लोग दे सकते हो यहाँ पे। तो फिर स्लाइड करके आगे जाना है, थोड़ा सा ऊपर जाना है, तो यहाँ पे इस पर से लेयर दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके मीडिया नॉट फाउंड पे क्लिक करना है, वही सेम फोटो को स्लाइड करके ऊपर प्लस पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है, वही सेम मतलब स्टाइल में आपको फोटो को ऐड करते रहना है। ओके, और वही सेम फोटो को लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल पे क्लिक करके इस टैक्स पे क्लिक करना है, फोटो को सेलेक्ट करके ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। तो यही प्रोसेस है हमारा फोटो ऐड करने का, जैसे कि आप लोग दे सकते हो। आपको इसी प्रकार से जो आपको अपनी फ़ोटोज़ को ऐड करते रहना है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग दे सकते हो इस प्रकार से। तो लास्ट यहाँ पे जितना भी लेयर्स है ना, सभी लेयर्स में आपको वही सेम फोटो को ऐड कर लेना है। ओके, तो हमारा जो वीडियो है ना वो एक ही फोटो से बनने वाला है। तो यहाँ पे आपको लास्ट सभी लेयर्स में एक ही फोटो को ऐड कर लेना है, सेम प्रोसेस को फॉलो करके। मैंने सभी फ़ोटो मतलब ऐड कर लिया है, कुछ लेयर रह गया तो उसको भी मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। ओके, फिर जैसे आप ऐड कर लेंगे, आप कुछ मत करना, इधर ऐड करके ऊपर शेयर के आइकन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को जो है आप एक्सपोर्ट कर लेना। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना।